यूट्यूब चैनल रेलवे ज्ञान में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे सीआरएस की स्वीकृति, टीएमएस तथा प्रशिक्षण। सीआरएस सैंक्शन, टीएमएस एंड ट्रेनिंग। दोस्तों सीआरएस से रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछता ही है। सीआरएस बोले तो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, रेल संरक्षा आयुक्त। तो दोस्तों आज हम लोग सीआरएस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप इस वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों अभी 3 अप्रैल 2022 को करेक्शन स्लिप 7 आया था, तो उसमें कुछ चीज़ों को हटा दिया गया है और कुछ चीज़ों को रहने दिया गया है। तो इस वीडियो में आप लोगों को सीआरएस से रिलेटेड, टीएमएस और जो प्रशिक्षण दिया जाता है मेट, कीमैन, ट्रैकमैन, जेई, एसएससी का जो रिफ्रेशर, ये सब आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम 1483 नंबर क्वेश्चन। खाली स्थान नियमों के तहत यात्रियों की संरक्षा शासित सुनिश्चित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। रेलवे अधिनियम 1989 का 24, भारतीय रेलवे चालू लाइन सामान्य नियम 1976, रेलवे यात्रियों के लिए सार्वजनिक गाड़ी चालू करने नियम 2000 तथा भारतीय रेलवे के आयाम की अनुसूची। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं 1484 नंबर। खाली स्थान सेक्शन नियमों के अंतर्गत चालू लाइन पर किसी भी कार्य के निष्पादन के लिए रेलवे संरक्षा आयुक्त की मंजूरी आवश्यक है, जो यात्रियों को ले जाने वाली गाड़ियों के संचालन तथा इस कार्य के निष्पादन के लिए आवश्यक किसी भी अस्थायी व्यवस्था को प्रभावित करेगी सिवाय आपातकाल के मामलों में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 23, 1989 का 24। देखिए इसमें मंजूरी जो है आवश्यक है, तो ये मंजूरी आवश्यक नहीं है। अभी जो करेक्शन स्लिप आया है ACS 7, तो यहीं कुछ बदलाव है जो आप लोगों को मिलेगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे 1485 नंबर क्वेश्चन। रनिंग लाइनों में जोड़ विस्तार या विकल्प के लिए खाली स्थान के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सीआरएस। इसके बाद 1486 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नई सिग्नल और अंतर पासन अवसंरचना स्थापित करने या मौजूदा अवसंरचना में बदलाव करने के लिए खाली स्थान की स्वीकृति आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी सीआरएस। सीआरएस बोले तो रेलवे संरक्षा आयुक्त। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1487 नंबर। रनिंग लाइनों की भारी रिग रेडिंग जिसमें रेल पथ को 500 mm से अधिक नीचे या ऊपर करना शामिल है, खाली स्थान की स्वीकृति आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी सीआरएस। 1488 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चालू लाइन पर मौजूदा गर्डरों को जोड़ने या बदलने के लिए खाली स्थान की स्वीकृति आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सीआरएस। 1489 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चालू लाइन में सड़क ऊपरी पुलों और निचले सड़क पुलों तथा ऊपरी पैदल पुलों सहित नए पुलों के निर्माण के लिए खाली स्थान की स्वीकृति आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीआरएस। ठीक है, इसके बाद 1490 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यात्री रनिंग लाइनों पर नए संपारों का प्रावधान करने, मौजूदा संपारों को विस्थापित करने के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सीआरएस। 1491 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संपारों से चौकीदार के हटाने और उसे डाउनग्रेड करने, चालू लाइन में बिना चौकीदार वाले संपार पर चौकीदार की व्यवस्था करने के लिए किसकी मंजूरी आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सीआरएस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1492 नंबर। ऐसा कोई बदलाव, पुनर्निर्माण या परिवर्धन जिसे रेल संरक्षा युक्त की स्वीकृति की आवश्यकता है के लिए आवेदन आमतौर पर कार्य आरंभ किए जाने के लगभग
कितना दिन पहले करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 दिन। ऐसा कोई भी बदलाव हो या पुनर्निर्माण हो या परिवर्धन जिसे रेलवे संरक्षा आयुक्त की स्वीकृति की आवश्यकता है के लिए आवेदन आमतौर पर कार्य आरंभ कर किए जाने के लगभग 30 दिन पहले किया जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद 1493 नंबर देखेंगे, ऐसा कार्य यदि जिसके लिए किसी कारणवश CRS की मंजूरी मिल जाती है लेकिन मंजूरी की तारीख से कितना दिन के भीतर कार्य आरंभ नहीं किया जाता है तो रेलवे संरक्षा आयुक्त से मंजूरी के नवीनीकरण के लिए संपर्क किया जाना चाहिए। दोस्तों यदि 1 वर्ष के भीतर कार्य आरंभ नहीं किया जाता है तो रेलवे संरक्षा आयुक्त यानी कि CRS से उसका मंजूरी नवीकरण के लिए संपर्क किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1494 नंबर, मंडलों के कार्य जिसमें सिविल इंजीनियरिंग और सिग्नल एवं अंतरपासन दोनों शामिल है और जिसके लिए CRS की मंजूरी के लिए आवेदन किया जाना है, आवेदन पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सीनियर DN और सीनियर DST, ठीक है, वरिष्ठ DN वरिष्ठ DST, ऑप्शन सी। इसके बाद 1495 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निर्माण संगठन द्वारा निष्पादित कार्यों के मामले में जिसमें सिविल इंजीनियरिंग और सिग्नल एवं अंतरपासन दोनों शामिल हैं, ऐसे आवेदन पर मुख्य इंजीनियर निर्माण तथा मुख्य सिग्नल व दूरसंचार इंजीनियर निर्माण का प्रतिनिधित्व करने वाले खाली स्थान अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए जाने चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए JAG जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, ठीक है। इसके बाद 1496 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इंजीनियरिंग कार्यों के लिए संरक्षा प्रमाण पत्र पर संबंधित खाली स्थान द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए तथा मंडल इंजीनियर द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी ADEN। इसके बाद 1497 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जब भी यातायात के लिए एक नई लाइन चालू करने या पहले से चालू लाइन पर इलेक्ट्रिक मोटिव पावर विद्युत इंजन आरंभ करने की पहल या लाइन जहां गेज रूपांतरण किया गया है को चालू करने का प्रस्ताव दिया जाता है, खाली स्थान प्रासंगिक अध्यायों में शामिल नियम और प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी रेलवे नियम 2000 यात्रियों के लिए सार्वजनिक गाड़ी चालू करना, ठीक है। इसके बाद अब TMS से क्वेश्चन आप लोगों को देखेंगे, TMS का विस्तारित रूप, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इसके बाद TMS का विस्तारित रूप ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1499 नंबर, खाली स्थान टैब उपयोगकर्ता को TMS में ट्रैक परिसंपत्ति का विवरण भरने करने की अनुमति देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए परिसंपत्ति। इसके बाद 1500 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस टैब उपयोगकर्ता को TMS में ट्रैक की ज्यामिति, ट्रैक घटकों और ट्रैक विशेषताओं के निरीक्षण रिकॉर्ड करने की अनुमति देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निरीक्षण। 1501 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, खाली स्थान टैब उपयोगकर्ता को निरीक्षण सारणी की योजना बनाने और TMS में रेल पथ के अनुरक्षण की अनुमति प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी योजना टैब। इसके बाद 1502 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निरीक्षण / ध्यान देने की आवश्यकता वाले किस टैब के स्थान उपयोगकर्ता को संसाधन, श्रम और मशीन तथा TMS में रिपोर्ट अनुपालन को सौंपने के लिए उपकरण प्रदान करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्य टैब। 1503 नंबर क्वेश्चन, TMS में संदेश केंद्र, परिपत्र निरीक्षण, नोट आदि
दर्ज करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विविध टैब। 1504 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जारी किए जाने वाले खातों का अनुरक्षण रसीद प्राप्ति और टीएमएस में विभिन्न प्रकार की पीवे सामग्री के लेखा के लिए सुविधा किस मॉड्यूल प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी भंडार मॉड्यूल। 1505 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, JSSC पीवे प्रशिक्षु पाठ्यक्रम के लिए प्रारंभिक इंडक्शन पाठ्यक्रम खाली स्थान पर आयोजित की जानी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी ZRTI जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 1506 नंबर देखेंगे, मेट या की मैन को LWR CWR पर नियुक्त करने से पहले खाली स्थान द्वारा योग्यता प्रमाण पत्र दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए DTC द्वारा डिविजनल ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, 1507 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मेट या की मैन की LWR CWR योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 5 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 1508 नंबर देखेंगे, असाधारण मामलों में मेट या की मैन को LWR CWR योग्यता प्रमाण पत्र किसके द्वारा विधिवत जांच करके दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ADEN द्वारा। 1509 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ADEN द्वारा जारी किए गए मेट या की मैन LWR CWR योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 वर्ष। ठीक है, 1510 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मेट या की मैन प्रमोशनल पाठ्यक्रम किसके द्वारा दिया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मंडल प्रशिक्षण केंद्र यानी कि DTC द्वारा। इसके बाद 1511 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ट्रैक मेंटेनर से JEE PVE से SSC PVE का प्रमोशनल पाठ्यक्रम किसके द्वारा दिया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र ZRTI। 1512 नंबर क्वेश्चन, JEE SSC PVE को कितने वर्ष में एक बार रिफ्रेशर पाठ्यक्रम के लिए भेजा जाना चाहिए? तो 5 वर्ष में एक बार रिफ्रेशर के लिए इन लोगों को भेजा जाता है। ठीक है, 1513 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, की मैन या मेट को कितने वर्ष में एक बार रिफ्रेशर पाठ्यक्रम के लिए भेजा जाना चाहिए? तो की मैन या मेट को 5 वर्ष में एक बार रिफ्रेशर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। 1514 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विभाग के वेल्डरों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण और प्रमाणन किसके द्वारा दिया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी थर्माइन पोर्शन संयंत्र NR थर्माइट झलाई प्रशिक्षण केंद्र विजयवाड़ा यानी कि लखनऊ NR हो गया और ये जो है विजयवाड़ा में हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी। 1515 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नव नियुक्त JEE SSC PVE के लिए इंडक्शन पाठ्यक्रम की अवधि खाली स्थान है? तो नया जो JEE आते हैं तो उनके लिए 1 वर्ष। ठीक है, इसके बाद 1516 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ट्रैक मेंटेनर से JEE PVE के लिए प्रमोशनल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि 1 वर्ष। ट्रैक मेंटेनर से यदि आप 1800 हैं, 1900 में है, 2400 में है, 2800 में है और आप डायरेक्ट 4200 में जाते हैं JEE के पोस्ट पे, तो आपका जो प्रशिक्षण प्रमोशनल ट्रेनिंग है वो 1 वर्ष का होगा। ठीक है, 1517 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, JEE PVE से SSC PVE का प्रमोशनल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 दिन। ठीक है, अगर JEE से SSC में आपका प्रमोशन होता है तो आपको 17 दिन का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम लेना पड़ेगा। 1518 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, की मैन से मेट का प्रमोशनल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 दिन होता है। की मैन से यदि आप 2400 में हैं और 2400 से 2800 में जाते हैं तो आपको 18 दिन का पाठ्यक्रम मतलब इसके लिए ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। 1519 नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
ट्रैक मेंटेनर से कीमैन प्रमोशनल बेसिक प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम की अवधि है। यदि आप ट्रैक मैन हैं और आपका प्रमोशन कीमैन में होता है तो आपको 18 दिन की बेसिक प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, ठीक है, ऑप्शन डी। इसके बाद 1520 नंबर क्वेश्चन देंगे, मेट या कीमैन रिफ्रेशर पाठ्यक्रम की अवधि खाली स्थान है। ये देखिए, रिफ्रेशर जो है 5 साल में होता है, लेकिन ये बात कर रहा है कितने दिन का होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 दिन। 1521 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ट्रैक मेंटेनर इंडक्शन पाठ्यक्रम की अवधि है। तो जब ट्रैक मैन में आपकी भर्ती होती है, न्यू अपॉइंटमेंट है, तो आपको 30 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। 1522 नंबर क्वेश्चन है, ट्रैक मेंटेनर से गेट मैन इंडक्शन पाठ्यक्रम की अवधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 दिन। ट्रैक मेंटेनर रिफ्रेश पाठ्यक्रम की अवधि है, तो रिफ्रेश पाठ्यक्रम ट्रैक मैन को 5 साल में मिलता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 6 दिन, ठीक है। इसके बाद 1524 नंबर देखते हैं, गेट मैन रिफ्रेशर पाठ्यक्रम की अवधि, गेट मैन को रिफ्रेशर ट्रेनिंग जो है 6 दिन, ठीक है। 1525 नंबर, JSSC USFD के प्रारंभिक पाठ्यक्रम की अवधि खाली स्थान है। जो USFD में है, JSSC है, उनका प्रारंभिक पाठ्यक्रम का अवधि 4 सप्ताह का होता है, ठीक है। 1526 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, JSSC USFD के रिफ्रेशर पाठ्यक्रम की अवधि कितना दिन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 सप्ताह, ठीक है। 1527 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, AT झलाई में वेल्डर की प्रारंभिक पाठ्यक्रम की अवधि कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सप्ताह, ठीक है। इसके बाद 1528 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, AT वेल्डिंग में झलाई बोले तो वेल्डिंग, ठीक है, झलाई को ही वेल्डिंग कहते हैं। AT झलाई में वेल्डर के रिफ्रेशर पाठ्यक्रम की अवधि है, तो इनका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 सप्ताह, ठीक है। 1529 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, AT झलाई में पर्यवेक्षण के लिए JSSC PVA के प्रारंभिक पाठ्यक्रम की अवधि है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 1 सप्ताह, ठीक है। इसके बाद 1530 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मेट या की मैन को रिफ्रेशर पाठ्यक्रम के लिए खाली स्थान वर्ष में एक बार भेजा जाना चाहिए। तो मेट या की मैन को रिफ्रेशर पाठ्यक्रम के लिए 5 वर्ष में एक बार जो है भेजा जाता है। 1531 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ट्रैक मेंटेनर या गेट मैन को रिफ्रेशर पाठ्यक्रम के लिए खाली स्थान वर्ष में एक बार भेजा जाना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 वर्ष। 1532 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक ट्रैक मेंटेनर गेट मैन के लिए योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता जारी करने की तारीख से कितना वर्ष है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 5 वर्ष। 1533 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, AT वेल्डिंग में वेल्डर के लिए रेगुलर योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता जारी करने की तारीख से कितना वर्ष है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 2 वर्ष। 1534 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, AT वेल्डिंग में वेल्डर के लिए प्रोविजनल योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता जारी करने की तारीख से खाली स्थान है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए या बी जो भी पहले, यानी कि 6 माह और 100 जोड़। AT वेल्डिंग में वेल्डर के लिए प्रोविजनल योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता है तारीख से 6 माह या 100 जोड़, दोनों में से कोई एक हो तो उसको प्रोविजनल योग्यता प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। 1535 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, IRPWM के अनुसार ट्रॉलीमैन प्रमाण पत्र खाली स्थान द्वारा जारी की जानी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ADEN। 1536 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, IRPWM के अनुसार ट्रॉलीमैन योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता कितने वर्ष की है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष, ठीक है।
1537 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, JSSC PVA की चिकित्सा श्रेणी, तो JSSC PVA की चिकित्सा श्रेणी A3 होती है। यदि आपने JEE का मेडिकल दिया होगा तो आपको मालूम होगा A3 लिया जाता है। 1538 नंबर क्वेश्चन, ट्रैक मेंटेनर की चिकित्सा श्रेणी खाली स्थान है, तो ट्रैक मेंटेनर की चिकित्सा श्रेणी B1। 1539 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गेटमैन की चिकित्सा श्रेणी खाली स्थान है, तो गेटमैन को A3 मेडिकल होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद 1540 नंबर देखेंगे, ट्रॉली मैन की चिकित्सा श्रेणी खाली स्थान है, तो इसका आंसर हो जाएगा A3। 1541 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गेटमैन जो ट्रैक मेंटेनर प्रशिक्षण के बिना सीधी भर्ती से आया है का इंडक्शन पाठ्यक्रम खाली स्थान दिन होगा। देखिए दोस्तों, अगर गेटमैन जो है ट्रैक मेंटेनर प्रशिक्षण के बिना सीधी भर्ती से आया है तो उसका जो है पाठ्यक्रम का जो दिन होगा वो बढ़ जाएगा, वो 12 दिन हो जाएगा। नहीं तो अगर ट्रैकमैन से रहता तो उसको 6 दिन का पाठ्यक्रम गेटमैन के लिए दिया जाता था, लेकिन वो जो नया है तो इसके लिए उसको 12 दिन का दिया जाएगा। 1542 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, CRS की स्वीकृति प्राप्त करने और कार्य पूर्ण होने पर संरक्षा प्रमाण पत्र भेजने की जिम्मेदारी किसकी होगी, तो 1542 का हो जाएगा आंसर ऑप्शन DEN। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और आपने इसके पीछे का पार्ट नहीं देखा है तो आप लोग इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। ऐसा ही वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा, तो दोस्तों हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए, यदि आप JEE PVA एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। धन्यवाद।